हेलो दोस्तों, मैं प्रणव आपको वेलकम करता हूं मेरे चैनल पे। ये मांगुर मछली के सीट का डिलीवरी पटना में किया गया है। मांगुर मछली कैटफिश कैटेगरी में आती है। दोस्तों मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, ऊपर चढ़ना तो पड़ेगा। जो डिलीवरी हम लोग करते हैं वो फिश फार्मर्स को करते हैं, जिनके पास तालाब है उनको ही सिर्फ मछलियाँ देते हैं हम लोग। उनका सीट जो होता है मछली का, सिर्फ वो फार्मर्स के लिए ही है। जो लोग 100 पीस 200 पीस के लिए कॉल करते हैं, ना हम लोग आपको डिलीवर कर सकते हैं 100-200 पीस, ना ही आप आके ले जा सकते हैं। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो 5000 पीसेस का है, मतलब 5000 पीसेस का ही मिनिमम ऑर्डर लेते हैं। इससे कम के लिए प्लीज़ कॉल ना करें। ये चैनल फिश फार्मर्स के लिए है, जो फिश फार्मिंग में इंटरेस्टेड है, या तो कर रहे हैं फिश फार्मिंग या करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो डालते हैं ताकि उनको कुछ आइडिया लग सके फिश फार्मिंग के बारे में। दोस्तों अगर फिश मांगुर का सीड आप छोड़ रहे हैं तो आप ध्यान दें, जैसे इस तालाब में आप देख रहे हैं कि ज़्यादा पानी नहीं है, घुटना तक या कमर तक, मतलब 2 से 3 फीट ही पानी रखें जब आप मांगुर मछली को डाल रहे हो, उसका सीड डाल रहे हो। 5 फीट 6 फीट पानी बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप मांगुर मछली का पालन कर रहे हैं या छोटी मांगुर मछली हो या जब बड़ी भी हो जाए, तब भी 5 फीट 6 फीट मांगुर के लिए पानी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये बार बार ही ऊपर आती है ऑक्सीजन लेने के लिए। ऊपर के सतह पे आके ऑक्सीजन लेती है, मतलब अपना मुंह बाहर निकाल के ऑक्सीजन लेती है। तो बिल्कुल भी पानी का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा पानी ना रहे। इसके पालन के लिए बहुत ज़्यादा 5 फीट पानी का ज़रूरत नहीं होता है, 2 या 3 फीट भी पानी है तो काम इसका आराम से चलता है। और यही डेप्थ, इतना ही डेप्थ, 2 से 3 फीट ही इसका माना जाता है अच्छा इसके ग्रोथ के लिए। तो बिल्कुल ध्यान दें, ज़्यादा पानी ना रखें, मतलब ज़्यादा डेप्थ पानी का ना हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि फिश फार्मिंग रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू। बस कर।